हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज तो मेरी तो छुट्टी है, आज तो अभी घर से आया हूँ। केवल अभी 8:30 बज चुके हैं और अभी घर से आया हूँ। और मनीषा आ रही है तो काट रहे हैं, लेकिन आज फ्री हो जाएंगी यहाँ से। मेरी तो क्या अंगुली कट गई थी ना कल, तो पट्टी वट्टी बंधवाई है, तो उसमें क्या थोड़ी नीचे से ऐसे पकड़ता हूँ तो दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं तो नहीं आया। और अभी आया हूँ, लेकिन आते ही फिर वापिस घर के लिए काम बता दिया, मतलब ठाले नहीं रहने चाहिए घर वालों के लिए। तो अब घास वास लेके और वापिस घर जाना पड़ेगा। जी जिन काट के और तैयार कर दिया, और मनीषा आ रही है तो उधर काट रही है अभी। तो आज का लास्ट का दिन है और बेचारी हेमा को रुला दिया। देखो ये रुला दिया बेचारी, मतलब मैं नहीं था तो इसका मतलब ये मेरी बहन जी को रुला दिया सबने। उधर ये देखो दोनों, मनीषा और का छुट्टन तो आगे और ये पीछे। अब बेचारे रो मत, तू मैं टेंशन मत ले, भाई है भाई है, थार लार भाई है, तू घबरा मत, घबरा जी मत कहते ही। बस भाई है। ए पंगा अंगा कोई ले, दांत ले कोनी गया, चाह हाथ कटवा ली बनाए सुपर। धीरे धीरे काट या लास्ट को मौसम काल ठगा गयो बहुत तगड़ो। तो अब हमारा घर जाने का काम आ गया। मनीषा जी चल रहे हो? भाई जब घास लेके और घर पे रख के, और ये छाछ है एक बरनी में तो एक में सब्जी है, ये लेके और अब जा रहा हूँ खेतों पर वहीं पे। और वहीं काट रहे हैं वो, तो मनीषा जी जी रही है तो उनकी सेवा में हाजिर है। भाई क्या करें, कटते तो है नहीं। अब ये अंगुली कटने के बाद परेशानी आ गई थोड़ी, लास्ट में जाके एक दिन का काटना बचा और उसी में माहौल ख़राब हो गया। तो अभी बस जा रहा हूँ, अब खाना वाना बना लेंगे फिर खा लेंगे, फिर शाम को अभी पूले उठाने हैं। अभी तो काम बहुत बचा है इन क्या करें। चलो मिलते हैं फिर आपसे वहीं जाके। हेलो दोस्तों, राम राम सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? और अभी खाना आना खा पी के और फ्री है, और बहुत ज़्यादा तांवड़ा पड़ रहा है भाई, तो मतलब खेतों काटने का इन्हें मन नहीं कर रहा है। अब आराम कर रहे सभी घर वाले, सब खाना खा खा के सोते सब। और आज तो राजेश जी तो घर पे ही, अब आए हैं, पहले सुबह ही आ गए, फिर सुबह की वापस घर आ दिए। घर पे जमा से सब्जी अब्जी लिया है, जी जी ने यहाँ खाना बना लिया और इन्होंने तो घर खाया है, यहाँ अब खाई रोटी और अब आराम कर रहे हैं। हम भी आराम करेंगे भाई, परेशान अगर कट गए आज तो गाँव थोड़े से को रहे, बस 2-5, 10-15 मिनट का। तो ये भी आराम कर रहे, हम भी आराम करेंगे अभी तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइज आज बिल्कुल फ्री हो गए लावणी से, गेहूं काट के और अब घर पे आ गए, और मतलब इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई बहुत ही ज़्यादा। और आज काट पीट के फ्री हो गए, अब बस अकेल रहे और घर वाले अहमद दीदी, भाई विजय, शेर सिंह जी, का छुट्टन रे, सब माए रुक गए, मैं तो आ गई। 5 बजते काट के कम्प्लीट हो गए तो मैं तो घर आ गई, और बस अकेल रहे। आज सकेल आएंगे कुछ तो, और कुछ सुबह की जल्दी जाके सकेल गए चढ़ के कटा के और चारा आरा भर के सब कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 1-2 दिन का काम और मान लो कल का और परसों का। और इतने ज़्यादा परेशान हो गए भाई, बहुत ज़्यादा। मैं भी सकल जाती पर क्या मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो रहा है, कल दोपहर बाद में तो उल्टी रोने लग जाती, कम से कम 4-5 बार उल्टी हो जाती दोपहर बाद में। तो मतलब भाई आप जानते हो कमज़ोर तो वैसे ही, यार कितनी तेज़ धूप पड़ती है, मेरे को तो तावड़े दिन को ही देख के चक्कर आने लग जाते, पर क्या करें भाई, काम करना पड़ता है, किसानों का जीना ही हराम है। 12 महीना तक मेहनत करते हैं बेचारे, जब जाके ये दिखते खाने को नाज, और घर में धड़का जाते जब अपने होते। और अभी काम काज करने का जुगाड़ चल रहा है, जी जी खाना बना रही है और हम भी झाड़ू वाड़ू निकाल के आधी घंटा हुई कम से कम आए घर। और अब राजेश जी भी नहीं गए, उनकी भी आंगड़ी दर्द कर रही, कल आंगड़ी कट गई, तो अब हम भी जा रहे हैं, हम भी कुछ न कुछ काम का जुगाड़ लगाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में।
जब तक के लिए बाय। टाइम आ गया यार, अब घर जा रही, रोटी सब्जी बनाएंगे। और इतने ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि लाउंड करते रह जाते हैं तो आरंग आ जाती है, तो पता नहीं चलता खास होते हैं कब दिन उगता है कब क्या। और अब एकदम से रुकेंगे तो और भी ज़्यादा, एक दो दिन तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और अब घर जा रहे, अब काम काज करेंगे कुछ। तो अभी खाना ना खा पी के और फिर ये ऊपर आ गए रूम में, मतलब इतने ज़्यादा परेशान हो गए, ऐसी हालत हो गई बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब। आँखों में पूरी में तो जलन तो लगती है आँखों में, क्योंकि गाँव काटते हैं जो बालों की इधर उधर उधर को पछाट लगती है, तो बिल्कुल पूरी तो आँख फूटी। और भाई गाँव की लावणी तो बहुत बुरी है, कभी करनी नहीं चाहिए गाँव की लावणी। तो सरसों की लावणी में तो मौज, सरसों की लावणी में तो कुछ नहीं, हंसी मजाक करते करते हो जाते हैं। गाँव की लावणी में तो ऐसे गारे थमा जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं तो मेरी खेदूँ, मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई भाई हद से ज़्यादा। और आज भगवान की दया से फ्री भी हो गए, सकला सकेल भी आए पूरे गांव को, और तो कटाने का काम है तो जाने कटाने वाले। और इतने ज़्यादा परेशान हो गए, मतलब ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाए क्योंकि सुबह से खेत में लगते, सुबह भी खेत में होता है शाम भी खेत में होता है। आज थोड़ा बहुत जल्दी छुट्टी होगी मेरी, तो मैं तो 5 बजे ही आ गई आज। और राजेश जी ने तो आज पूरे दिन छुट्टी करी है। तो छुट्टी क्या है, दिख नहीं रहा है उंगली का। उंगली का पूरा फायदा उठा रहे थे आप। फायदा क्या है इसमें यार, तो कटी है तो कटी है, इसमें क्या करूं। सही है। अब तेरी इतनी कटती तो तू नहीं रुकती क्या। सही है। और दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके। तो भाई लावणी से तो हो गए फ्री, अब एक दो दिन का काम हो रहे हैं फिर करके, फिर कहीं घूमने जाएंगे आप सबके लिए। आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेंगे। और कल के वीडियो पर आज आप लोगों ने इतने मतलब अच्छे अच्छे कमेंट किए बहुत से भाइयों ने, तो उन सभी को दिल से बहुत धन्यवाद। और अब तक मतलब आपके जितने कमेंट थे ना उनके हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आप समझ सकते हो भाई सुबह से शाम तक काम, फिर शाम को आ रहे थके, तो केवल लाइक करते थे कमेंटों को और पढ़ के, और मतलब जवाब नहीं दे पाते थे, इतना टाइम नहीं मिलता था। तो अब सब आपके कमेंटों के जवाब देने लगे हम और आपको रिप्लाई किया करेंगे। तो अब क्या, अब मनीषा को तो मैंने सूती को उठाई, अभी तो देखो आंखों में नींद भर रही है इसके, तो बहुत परेशान कर दिया मैंने भी। परेशान हो गए, नहीं पता नहीं कब नींद आ जाती, जहाँ पढ़ते वहीं भड़क जाते। तो आज के लिए बस इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।